हेलो दोस्तों, मैं हूं समीर और स्वागत है आपका बुक समरी क्लब में। आज की इस वीडियो में हम विलियम वॉकर द्वारा लिखी गई बुक थॉट वाइब्रेशन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन द थॉट वर्ल्ड के बारे में बात करने वाले हैं। विलियम वॉकर एक अमेरिकन मर्चेंट, पब्लिशर और राइटर थे। वो न्यू थॉट मूवमेंट के शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक थे। ये किताब 1908 में पहली बार पब्लिश की गई और आज तक ये बुक प्रिंट में है और सेल हो रही है। अगर आप विलियम को नहीं जानते हैं तो आपके पास इस वीडियो को देखने का और भी बड़ा कारण है। ये वो किताब है जिसमें से रोंडा ब्राइन की किताब दी सीक्रेट और सभी जुड़ी हुई किताबें निकली हैं। पहले के लोग कहते थे, इच्छा सोच समझ कर करो क्योंकि हो सकता है वो आपको मिल जाए। पर क्या होगा अगर यही नियम सारे जाने अनजाने यूनिवर्स को चलाए। विलियम का दावा है कि 1906 की क्लासिक थॉट वाइब्रेशन में ऐसा ही है। थॉट वाइब्रेशन एग्जैक्टली क्या होता है? हमारा माइंड एक दिन में कई हजार थॉट्स क्रिएट करता है, यानी कि सोच क्रिएट करता है। वही सोच करोड़ों एनर्जी क्रिएट करती है और वही एनर्जी वाइब्रेशंस में बदल जाती है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। ये एनर्जी और वाइब्रेशन हमारे आसपास एक ऑरा क्रिएट करती है। अगर आप किसी पॉजिटिव इंसान को जानते हैं तो उससे मिलके आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी पॉजिटिव सोच से पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट हुई, जिससे उसके आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बनता है जो सबको फील भी होता है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। 1901 तक विलियम ने एक भी किताब नहीं छापी थी और अगले 3 दशकों में उन्होंने लगभग 100 से ज़्यादा किताबें लिखी और छापी। थॉट वाइब्रेशन सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है। इस किताब में ऐसा कुछ नहीं है जो इस सब्जेक्ट की पहली किताबों में नहीं था या मॉडर्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक्स ने कॉपी ना किया हो, पर ये वो सब इतने दमदार और सुंदर सेंटेंस में कहती है कि ऐसा लगता है कि यही वो किताब है जिससे ये सब शुरू हुआ। तो चलिए फिर विलियम के नज़रिए को डिटेल में समझते हैं। विलियम्स वर्किंग क्रीड। जब विलियम न्यू थॉट के एडिटर बने, उन्होंने अपने यादगार आर्टिकल वर्किंग क्रीड से रीडर्स में अपना नाम बनाया। इसकी ताकत और ओहदा इतना बड़ा है कि इस आर्टिकल को अक्सर थॉट वाइब्रेशन और उनकी बाकी सभी किताबों में इंट्रोडक्शन के तौर पर शामिल किया जाता है। ये कुछ ऐसे शुरू होता है। ये मानते हैं कि इंसान का दिमाग सभी ताकतों में सबसे महान है, थॉट एनर्जी बनाने वालों में सबसे बड़ी चीज है। एक इंसान ख्याल के दम को समझता है, वो खुद में से जो चाहता है बना सकता है। सिर्फ शरीर ही दिमाग से काबू नहीं होता है, बल्कि पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट्स की जगह लेकर कोई इन्वॉल्वमेंट, किस्मत, हालात भी बदल सकते हैं। जो इंसान ये कहता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, उस इंसान को मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा वाला एटीट्यूड सफलता की तरफ एक कदम आगे ले जा सकता है। ख्याल ही असलियत बनाते हैं और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और थॉट वाली दुनिया किसी को भी वो देगी जो वो चाहता है या जिससे डरता है। विलियम बताते हैं कि हर चीज में असीम ताकत है। आज हमारे पास उस ताकत का बहुत धुंधला आइडिया है, फिर भी हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और जल्द ही उसे छू लेंगे। व्हाट आर थॉट वाइब्रेशंस? थॉट वाइब्रेशन क्या है? ये ज्यादातर विलियम के वर्किंग क्रीड में लिखा हुआ है। हालांकि वो जानते हैं कि शब्दों से कैसे इस मान्यता को घुमाना है, जिसे कुछ डरावने दावों से जोड़ा गया है। ऑथर का मानना है कि दुनिया एक महान नियम से चलती है, जिसके कुछ रूप ही हम जानते हैं। इस नियम को शब्दों में समझना मुश्किल है, पर हम इसके आकर्षक भाव से इसकी अंदरूनी काम की झलक देख सकते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इनमें से एक है और दूसरी तरफ वो है जो थॉट वर्ल्ड में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा है। हम इस कमाल के नियम को जानते हैं जो एटम्स को आपस में बांधे रखता है, जिससे मैटर बनता है। हम उस नियम की ताकत को समझते हैं जो चीज को धरती की तरफ आकर्षित करता है और जो घूमती हुई दुनिया को उनकी जगह पर रखता है, पर हम उस महान नियम के आगे आंखें बंद कर लेते हैं जो हमें उन चीज़ों तक ले जाता है जो हम चाहते हैं या जिनसे हम डरते हैं, जो हमारी ज़िंदगी बनाता है या बिगाड़ता है।
थॉट एक फोर्स है, एनर्जी से बनी एक चीज, एक वाइब्रेशन, टाइम और स्पेस के साथ भेजी हुई, और उतनी ही सच है जैसे ना छू सकने वाली गर्मी, रोशनी, बिजली और मैग्नेट की वाइब्रेशन। फर्क सिर्फ इन वाइब्रेशंस की फ्रिक्वेंसी का है। जैसे कि लाइट और हीट थॉट की बहुत कम इंटेंसिटी की वाइब्रेशन से बनती हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के आविष्कार से पहले हम ज़्यादातर वाइब्रेशन को देख, सुन, सूंघ, महसूस या टेस्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन हम एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट से आकर्षित होते हुए ऑब्जर्व कर पाते थे। हालांकि इन दिनों हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं, हम उन वाइब्रेशन को मेजर कर सकते हैं जिनमें हमारी रुचि है, और उससे भी ज़्यादा हम उनके बर्ताव को पता और इस्तेमाल कर सकते हैं। थॉट वाइब्रेशन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। दुर्भाग्य से यहाँ ये फर्क है कि अब भी इंसानी दिमाग ही अकेला ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो थॉट वेव्स को पैदा और रिकॉर्ड कर सकता है। विलियम ने ये कहा था कि उनको लगता है इंसानियत एक ऐसी चीज को बनाने की कगार पर है जो थॉट वाइब्रेशन को पकड़ और रिकॉर्ड कर सके। पर एक सेंचुरी बीत गई जब उन्होंने ये दावा किया था, और जहाँ तक हम जानते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट का आज तक आविष्कार नहीं हुआ है। हाउ डज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क इन द थॉट वर्ल्ड? हमारा दिमाग लगातार थॉट वाइब्रेशन भेजता और लेता है। एक मैग्नेट के अपोजिट हमारा दिमाग सिर्फ वैसे ख्याल वापस लेता है जैसे वो भेजता है। दूसरे शब्दों में, अगर आप प्यार के थॉट वाइब्रेशन भेजते हैं तो आपको दूसरों से प्यार के ही वाइब्रेशन वापस मिलेंगे, जो आपको प्यार के सफर पर ले जाएगा, और आप खुद को ऐसे माहौल और हालातों में पाएंगे जो बिल्कुल आपके ख्याल जैसा होगा, और उन लोगों के बीच जो आपको वापस प्यार देंगे। दूसरी तरफ गुस्से, नफरत और जलन के ख्याल हमें दूसरे लोगों के ऐसे ख्यालों तक ले जाते हैं जैसे हालात बनते हैं, जहां हमें ऐसे ख्यालों के बदले ऐसे ही ख्यालों का सामना करना पड़ेगा। विलियम लिखते हैं, थॉट वर्ल्ड में लाइक ही लाइक को अट्रैक्ट करता है। जैसा आप बोओगे वैसा ही पाओगे। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो तो आप मार्कोनी के वायरलेस इंस्ट्रूमेंट के बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि रेडियो। जब थॉट वाइब्रेशन पब्लिश हुई थी ये कुछ नया सा था, पर आज कल ये इतना पुराना और बीते कल का है कि हमें ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि रेडियो कैसे काम करता है। सीधे तौर पर एक रेडियो ट्रांसमीटर आसपास के हजारों वाइब्रेशन में से सिर्फ वो वाइब्रेशन रिसीव करता है जो सेम की पर ऑटो ट्यून्ड होते हैं। यही नियम थॉट के काम करने पर भी लागू होता है। हम सिर्फ वो रिसीव करते हैं जो हमारी मेंटल एंट्यूनमेंट में होते हैं। अपनी एंट्यूनमेंट को बदलने के लिए खुद पर जोर डालें, और रेडियो की तरह आपको दूसरे तरह की वाइब्रेशन रिसीव करनी शुरू करनी चाहिए। इसी वजह से नेगेटिव लोगों को दुनिया में सिर्फ नेगेटिव चीज ही दिखती है, और पॉजिटिव लोग सिर्फ अच्छा देख पाते हैं। द सीक्रेट ऑफ द माइंड। इंसान के पास एक दिमाग है, पर उसके पास बहुत सी मेंटल फैकल्टीज हैं, और हर कोई मेंटल एफर्ट्स की दो अलग लाइंस पर काम करने लायक है। इन दोनों फंक्शंस को अलग करने की कोई अलग लाइन नहीं है, पर ये एक दूसरे में ऐसे मिल जाती हैं जैसे स्पेक्ट्रम के रंग मिल जाते हैं। एक्टिव एफर्ट हमेशा फ्रेश और नया होता है, ये चीजें बनाता है। पैसिव एफर्ट एक्टिव एफर्ट का रिजल्ट होता है, और ये कुछ नहीं करता सिवाय ऑर्डर और सजेशन मानने के। एक्टिव फंक्शन वाइब्रेशन भेज सकता है और पैसिव उन्हें रिसीव कर सकता है, और यही फंक्शन आपको आगे बढ़ाना है। अगर आप अपने ख्यालों की ताकत को पाना चाहते हैं और किसी के ख्यालों का गुलाम नहीं बनना चाहते हैं तो द सीक्रेट ऑफ द विल। जब आप लो फील कर रहे हो तो अपने दिमाग को एक ऊंचे लेवल पर फिक्स करने की कोशिश करें और उससे प्रेरणा लें। यहाँ एक तकनीक है जो आपकी मदद कर सकती है। जब आप बेचैनी महसूस करें और गुस्से में हो तो मैं को आगे रखें, याद रखें कि आप क्या हैं, और अपनी भावनाओं के ऊपर उठें। जब आप डर का सामना करें तो याद रखें कि रियल सेल्फ किसी से नहीं डरता है और साहस देता है। उसी तरह जब आप जलन महसूस करें तो अपने हायर नेचर के बारे में सोचें। ये सभी भावनाएं आपके लायक नहीं हैं और इन्हें अपनी जगह पर रहना चाहिए। इन चीजों को खुद पर काबू ना पाने दें। ये आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, ना कि मास्टर्स। आपको इन से दूर रहना चाहिए, और ऐसा करने का एक ही तरीका है कि इन ख्यालों से खुद को काट लेना। जो चीजों को अपने हिसाब से चला रहे हैं आपको शुरू में दिक्कत हो सकती है, पर इस पर डटे रहें और आपको वो संतुष्टि मिलेगी जो सिर्फ अपने नेचर के निचले हिस्से को जीतकर ही हासिल की जा सकती है। आप बहुत लंबे वक्त तक गुलाम बनकर रह चुके हैं, पर अब वक्त है खुद को आजाद करने का। पर इसमें मेहनत लगेगी, और ये बच्चों का खेल नहीं है, पर इसे समझदारी से किया जा सकता है। कोई
कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो आपको क्या सिखाते हैं, पर आपका दिमाग आपकी इच्छा से ही जुड़ा हुआ है। अपनी इच्छा शक्ति को काबू करो और आप अपनी पोटेंशियल की पावर को काबू कर पाएंगे। एक अच्छी एक्सरसाइज है, आप रोज एक बिना मर्जी का काम करें, हर रोज एक महीने तक। कोई भी अच्छी चीज खुशी से कर सकते हैं। खुशी ना देने वाली चीजों को करने के लिए इच्छा शक्ति रखती है, और ऐसा काम आपको करना ही चाहिए। इससे आप में डिसिप्लिन आएगा। ट्राई इट फॉर अ मंथ एंड यू विल सी वेयर इट कम्स इन। अगर आप ये ना कर पाए तो थॉट वाइब्रेशन आपके लिए नहीं है, ना आपके पास इच्छा शक्ति है, ना ही आप चाहते हैं, और आप जहाँ हैं वहीं रहने और कमजोर बने रहने में संतुष्ट हैं। थॉट वाइब्रेशन उतनी ही असली है जितना हीट और लाइट वाइब्रेशन। हमेशा एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को आकर्षित करती है, पर ये समझने में लोगों को सालों लग गए। कैसे? क्यों? क्योंकि वो वाइब्रेशन नहीं देख सकते थे जिनसे अट्रैक्शन होता है। यही थॉट वाइब्रेशन पर भी लागू होता है। ये एग्जिस्ट करते हैं, काम भी करते हैं, हालांकि इनको प्रोड्यूस और रिसीव करने वाला ऑर्गन सिर्फ दिमाग ही है। जैसे एक पत्थर पानी में फेंकने पर होता है, ख्याल भी लहरें बनाता है जो ख्यालों के सागर में दूर तक जाती हैं। बस फर्क ये है कि पानी की तरंगे सीधे तल पर हर दिशा में चलती हैं, जबकि ख्यालों की तरंगे एक कॉमन सेंटर से सारी दिशाओं में चलती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज की किरणें चलती हैं। दिमाग का एक्टिव पार्ट थॉट वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करता है और पैसिव पार्ट रिसीव करता है। हालांकि हमारे पास एक ही दिमाग है, ये मानसिक शक्ति के दो अलग लेवल पर काम कर सकता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव पार्ट थॉट वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करता है जो इतना ताकतवर है कि पानी में पत्थर फेंक सके। दूसरी तरफ पैसिव पार्ट लगातार थॉट वाइब्रेशन को रिसीव करता है। उनमें से कुछ सेम दिमाग के एक्टिव पार्ट से आ रही होती हैं, जबकि बाकी दूसरे लोगों और यहाँ तक कि पूर्वजों से आती हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट। ये समझना जरूरी है कि दिमाग का पैसिव पार्ट एक रेडियो रिसीवर की तरह काम करता है। ये हवा में मौजूद सभी थॉट वाइब्रेशन को रिसीव नहीं करता, बल्कि सिर्फ उनको जो उसकी फ्रिक्वेंसी पर ऑटो ट्यून्ड हो। आप अपने दिमाग को ऑटो ट्यून्ड कर सकते हैं सिर्फ किसी खास तरह की थॉट वाइब्रेशन को रिसीव करने के लिए, और ऐसा करने का बेस्ट तरीका है वैसे ही मन चाहे वाइब्रेशन के थॉट को प्रोड्यूस करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्यार देंगे तो प्यार पाएंगे, और अगर आप नफरत देंगे तो रिटर्न में आपको नफरत ही मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी हेल्प कर सकती है तो सबके साथ ये वीडियो शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।